वेलकम टू यू। आप सभी के लिए मैं एक बार फिर जो है नया सेशन आप सभी के लिए स्टार्ट यहां पे कर रहा हूं। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आप सभी के लिए जो कि एक महत्वपूर्ण है। यहां पे देखिएगा मध्य प्रदेश की नदियां जो है पहले हम जो है यहां पे कर रहे हैं और चार या पांच पार्ट तक जो है यहां पे हम लोग इसे क्या है पूरा कवर कर लेंगे। तो चार या पांच पार्ट तक इसे हम मध्य प्रदेश की जो भी नदियां हैं पूरी कवर कर लेंगे और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। साथ ही ये क्वेश्चन आपको एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एसआई ग्रुप जो भी फोर बोर वगैरह सारे जो ग्रुप आते हैं आपके वो सभी में जो है आपको मध्य प्रदेश का जीके जहाँ भी पूछा जाएगा वो सारे ऑल एमपी जो एग्ज़ाम होगा आपका उसमें जो है आपको यहाँ पे देखने को जो है मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो है एमपी जी के हैं और ये क्वेश्चन आपके सभी के प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं उन सभी में जो है पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश की नदियाँ जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो है आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एसआई ग्रुप और जो भी आपका ग्रुप वगैरह फोर का हो या कोई सा भी हो आपका ग्रुप का होगा तो वो सारी जो है आपकी यहाँ पे आपको जीके का जो पोर्शन पूछा जाएगा उसमें आपको यहाँ पे मिलेगा। तो पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल जलप्रपात को श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 जो है नवाजा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड का पूछा है, यहाँ पे श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड की बात की है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास चचई जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, रनी जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात। तो आपको अगर जो है क्वेश्चंस की जो आंसर पता है तो आपको जो है वीडियो में कमेंट करती जाएगा और यहाँ पे हमारा सही आंसर है रन्हे जलप्रपात, है ना, रन्हे जलप्रपात जो है आपका सही आंसर है। और ये जो है 2017 में श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 से जो है यहाँ पे नवाजा गया था। और बात कर लेते हैं हम रन्हे जलप्रपात जो है हमारा कहाँ पे है, तो ये जो है केन नदी पर बना हुआ है। हमारा कहाँ बना हुआ है, केन नदी पर जो है ये जो है बना हुआ है। और साथ ही ये जो अवार्ड दिया है ये अवार्ड जो है आईक्यू द्वारा दिया गया है जो कि जाने माने ट्रेवल एवं इन्फॉर्मेशन पोर्टल है। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है। तो देखिए मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति की बात की है तो मध्य प्रदेश को जो है नदियों का मायका भी यहाँ पे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मायका यहाँ पे कहा जाता है। और साथ ही मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ पे बात है हमारी कि प्रकृति बताना है तो प्रायद्वीपी प्रकृति है यानी वर्षा आधारित यहाँ पे है, राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे तो मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियाँ बहती हैं। देखिए यहाँ पे सर्वाधिक, सबसे कम और मध्यम और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है, अभी फ़िलहाल कुछ पहले मैंने बात की कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं और मध्य प्रदेश को जो है नदियों का मायका कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा हमारा ये। और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश की किस नदी को नामोदोष भी कहा है या कहा जाता है। तो जो है यहाँ पर आपको देखना है नामोदोष जो है किस नदी को कहा जाता है, तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे नर्मदा। नर्मदा को जो है नामोदोष कहा जाता है जो कि रामायण में इसको जो है रेवा कहा जाता है, रामायण में इसको जो है रेवा कहा जाता है। और नामोदोष जो नाम दिया गया है वो भूगोलविद टॉलमी ने दिया है, भूगोल लिख लेना है आपको, विद टॉलमी ने दिया हुआ है, है ना, भूगोलविद टॉलमी ने इसको जो है यहाँ पर जो नाम दिया है ना नामोदोष वो जो है आपका नाम यहाँ पे दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में बहती है। तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चंस बन जाते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है कितने किलोमीटर में बहती है और साथ ही
यहाँ पर मध्य प्रदेश की कुल लंबाई कितनी है? तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे 1077 जो है किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है, राइट आंसर है बी। और साथ ही बात करते हैं यहाँ पे 1312 जो किलोमीटर आपका दिया हुआ है, ये जो है इसकी कुल लंबाई है और ये अमरकंटक से निकलती है और ये जो है खम्भात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, नर्मदा नदी का अपप्रवाह क्षेत्र है, तो अपप्रवाह क्षेत्र के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे नर्मदा नदी का अपप्रवाह क्षेत्र जो बनता है वो है 93,180 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे है, राइट आंसर है आपका ये। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे हम, निम्न में से कौन कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है? तो यहाँ पे हमें जलप्रपात दिए हुए हैं जो कौन कौन सा बनाती है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर आपकी जो है आंसर है रहेगा आपका आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कैसे हैं वो हम बताते हैं आपको। कपिलधारा जल जो है वो अमरकंटक से कुछ ही दूरी पर बनाती है और साथ ही दुग्धधारा जलप्रपात भी ये जो है बनाती है। साथ ही जबलपुर के निकट आपने अगर पढ़ा होगा धुआंधार जलप्रपात बनाती है और हांडिया से सहज धारा जो है आपका बड़वा से करीब मंदार तथा दरिंद जलप्रपातों को जो है बनाती है। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, नर्मदा नदी की कितनी सहायक नदियाँ हैं? तो नर्मदा नदी की कितनी सहायक नदियाँ हैं यानी जो कुछ नदियाँ होती हैं उनमें से और कुछ नदियाँ जो है टुकड़ी में बट जाती हैं या उसमें से कुछ इस प्रकार से नदी होगी तो छोटी मोटी जो है नदी यहाँ से निकल जाती हैं। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे 41, राइट आंसर यानी कि आपका बी है। और कुछ नदियों के नाम जैसे कि हिरन, कोलार, तिंदोनी, मान, हथनी, कुछ जो है यहाँ पे नदियों के नाम हैं आपके, उरी है और यहाँ पे जो है 41 है तो वो आपको देख लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा नदी इसका निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी जो है निर्माण करती है वो है एस्चुएरी यानी कि आपका सी आंसर सही होगा। इसमें से डेल्टा संकवा जो कि वो नहीं करती है एस्चुएरी यानी कोई इसे हम ज्वार नदमुख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ज्वार नद बोला जाता है इसको, ज्वार नदमुख भी यहाँ पे इसे बोला जाता है। और ये जो है हमारा ज्वार नदमुख इसको जो है एस्चुअरी को जो है बोला जाता है। तो ये जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है? ताप्ती नदी जो है एक मध्य प्रदेश की खास नदी है और आपके पास ऑप्शन है होशंगाबाद, हरदा, बैतूल और साथ ही छिंदवाड़ा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कह लीजिएगा या कौन से ज़िले में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो है यहाँ पे ताप्ती जो है नदी निकलती है बैतूल, बैतूल की पास जो है मुलताई है, मुलताई के नगर जो है ये नदी निकलती है। तो सी आंसर जो है हमारा राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी एक महत्वपूर्ण नदी है मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन आपके पास काफ़ी हैं। तो यहाँ पे भिंड है, रतलाम है, महू है और उज्जैन है। और ये नदी जो है महू से निकलती है यानी इंदौर के पास ये स्थित है, वहाँ से ये नदी जो है निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर जो है बहती है? पश्चिम की ओर बहती है यानी कि आपकी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना। दोस्तों अगर वीडियो को नहीं किया है आपने अभी तक लाइक तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आपको जो है वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेगी क्योंकि मैं आपको जो है MPGK यहाँ पे कराने वाला हूँ, फुल जो है आपकी यहाँ पे कराऊँगा।
तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे नर्मदा। नर्मदा जो है राइट आंसर है हमारा, और यानी कि बी ऑप्शन सही है। और साथ ही यहाँ पे जो नदी बहती है हमारी, ये जो है पश्चिम की ओर बहती हुई जो क्या है खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो पश्चिम की ओर कहा था, तो पश्चिम की ओर जो है खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। निम्न में से कौन नदी अरब सागर में जो है गिरती है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, तो कौन नदी है जो अरब सागर में गिर जाती है, तो यहाँ पे हमारा जो है ताप्ती इज द राइट आंसर है। मध्य प्रदेश की अभी हमने कुछ फिलहाल पहले ही बताया कि ये जो नदी है बैतूल के मुलताई से निकलती है और ये जो है अरब सागर में जाके यहाँ पे गिर जाती है। साथ ही अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को वैसे भी आता होगा, और ये जो है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहती है या हम इसे गंगा भी कहते हैं। तो राइट आंसर है हमारा अमरकंटक, अमरकंटक से जो है ये निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा अमरकंटक। अमरकंटक जो है यहाँ पर अभी फिलहाल बताया कि जो है नर्मदा निकलती है, और नर्मदा के साथ जो है एक नदी और है, और उस नर्मदा नदी को जो है हम क्या बोलते हैं, उस अमरकंटक इसकी 3 किलोमीटर के अंदर है, और वो दूसरी नदी हमारी यहाँ पे सोन नदी है। सोन नदी जो है यहाँ पे आपकी कितने किलोमीटर के अंदर मिल जाती है, 3 किलोमीटर के अंदर आपको ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है। नर्मदा के समानांतर बहती अभी बात की थी हमने, जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, तो इसके समांतर ही बहती है ये हमको जो है यहाँ पे बताना है। तो आपके पास केन, बेतवा, सोन और ताप्ती, तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे ताप्ती, यानी कि डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, मध्य प्रदेश की इस नदी का जल चुलिया झरने में जो है गिरता है। यहाँ पे देख लेना आपको, एक तो ये चुलिया झरना मिल जाता है, तो यहाँ पे जो है आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बन जाता है। तो हम जो है यहाँ पे देखेंगे चुलिया झरने में गिरता है, तो चंबल आपका जो है इज द राइट आंसर है। और चंबल नदी जो है हमारी यहाँ पे, जो चंबल नदी का पानी है वो चुलिया झरने में गिरता है, और जो है राजस्थान में ये जो है लगता है, चुलिया झरना राजस्थान में लगता है, और राजस्थान का जो है यानी कि आपका कोटा जो लगता है, कोटा यानी संभाग है, कोटा में जो है ये गिर जाता है। निम्न में से सही जोड़ी को छांटिए। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है कि सही जोड़ी को छांटना है, तो नर्मदा जो है अनूपपुर लिखा हुआ है, चंबल शहडोल लिखा हुआ है, ताप्ती काकरी वर्डी लिखा हुआ है, उपरोक्त सभी सही। तो देखिए यहाँ पे चंबल नदी जो है शहडोल जिला दिया हुआ है, जबकि हमारा ये जो क्या है इंदौर है, तो ये जो हमारा गलत हो जाता है। ताप्ती का अभी जो मैंने वह मैं फिलहाल अभी आपको जो है यहाँ पे बताया है, क्योंकि ताप्ती नदी आपकी जो निकलती है बैतूल से निकलती है, और काकरी बर्डी जो है आपकी छिप्रा नदी से निकलती है। तो सही आंसर है हमारा नर्मदा, जो कि अनूपपुर अमरकंटक से जो है निकलती है, तो ए इज़ द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो बेतवा नदी का जो है आपको उद्गम स्थल बताना है, तो जो है यहाँ पे शिवपुरी, वर्धन, शिखर, लखना और कुमरा गांव। तो सही आंसर है हमारा कुमरा गांव, यानी कि आपका डी आंसर सही है। और ये जो है हमारी यहाँ पे उद्गम स्थल है बेतवा का, और ये जो क्वेश्चन है आपका उद्गम रायसेन जिले के जो है रायसेन जिले के में पड़ती है, कुमरा गांव से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, निम्न नदी द्वारा बनाए गए खंड या दस्युओं की आश्रय स्थली है। तो दस्युओं का मैं आपको बता लूं, ये जो है डाकुओं के लिए प्रयोग किया गया है,
डाकुओं को जो है दस्यु बोला जाता है। तो आश्रय स्थली जो है कहा जाता है तो वो है आपका चंबल। चंबल नदी को जो है डाकुओं की आश्रय स्थली कहा जाता है। सी इज़ द राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन है। तो देखिए चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर दी है यहाँ पे, और ताप्ती की 724 किलोमीटर दी है, और सोन नदी की जो है 780 किलोमीटर दी है, और बेतवा नदी की जो है चार यहाँ पे आपको 365 दी है। तो असत्य कथन का बोला है तो हम यहाँ पे देखेंगे, असत्य कथन है आपका बेतवा की जो है 365 किलोमीटर दूरी नहीं है। राइट आंसर है आपका डी, और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 480 किलोमीटर्स है। यहाँ पे आप इसे नोट कर सकते हैं, 480 किलोमीटर्स यहाँ पे जो है इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न नदियों में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, जो है यहाँ पे दक्षिण की ओर बहने वाली नदी का नाम बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर है बी, यानी कि बैनगंगा आपका है, और क्योंकि ये जो है नदी जो है बहती है दक्षिण की ओर बहने वाली नदी बैनगंगा है। ये जो सारी नदियां हैं आपकी ये जो है उत्तर की ओर बहती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप यहाँ पे, कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। देखिए कुंवारी नदी का उद्गम स्थल जो है कौन सा है, तो आपका सही आंसर है ये, यानी शिवपुरी का जो है पठार है, आपका सही आंसर है ये। और साथ ही आप इस क्वेश्चन को जो है इस तरीके से भी ले सकते हैं कि कुंवारी नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है, तो वो है जो सिंध नदी की जो है क्या है सहायक नदी है। सिंध नदी जो है शिवपुरी से निकलती है, तो उसकी भी जो है ये क्या है सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है। देखिएगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह जो है कौन सा है, तो यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी नदियाँ आपको लेना है, नर्मदा चंबल सोन, नर्मदा सोन बेतवा, चंबल ताप्ती काली सिंध, बेतवा सोन ताप्ती। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो समूह है नर्मदा चंबल और सोन नदी इज द राइट आंसर है आपका ये। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, चचई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखिए यहाँ पे आपको जो है जलप्रपात भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से, तो ये प्रश्न आपको महत्वपूर्ण है। अभी हमने चुलिया जलप्रपात का पढ़ा था जो कहाँ पे है, वो राजस्थान कोटा में था, और ये है चचई जलप्रपात। तो यहाँ पे जो है आपका किस जो है नदी पर स्थित है, तो ये है हमारा बी, यानी कि बीहर नदी पर जो है बनता है, और बीहर नदी जो है हमारी कहाँ पे है, रीवा में है, रीवा में ये जो है हमारी नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो है महत्वपूर्ण हैं, और यहाँ पे आप इसे भालकुंड जलप्रपात है इसे देखना है। सही आंसर है हमारे यहाँ पे सागर, यहाँ पे सही आंसर क्या है सागर, यानी कि सी। और ये जो है किस नदी पर बनता है, तो वो है बेतवा नदी पर बनता है। यहाँ पे देख लेते हैं हम, बेतवा नदी पर जो है ये जो है आपका बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो है स्वर्ण नदी कहा जाता है, सही आंसर है हमारा सोन। और हम बात कर चुके हैं ये जो है अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा नदी भी आपकी अमरकंटक से निकलती है, चंबल आपकी इंदौर मऊ से निकलती है। तो सही आंसर है हमारा क्या बी, सोन नदी को जो है स्वर्ण नदी कहते हैं।
मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में असंगत है। देखिएगा यहाँ पे हमको जो है असंगत निकालना है, सोन, चंबल, छिप्रा, तो यहाँ पे असंगत निकालना है। यहाँ पे नर्मदा जो है हमारा सही आंसर है, यानी कि सी। अब बात करते हैं ये किस प्रकार है, तो नर्मदा नदी जो है मैं बता चुका हूँ आपकी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, जबकि आपकी सोन, चंबल और नर्मदा प्रमुख नदियाँ हैं ही, और ये जो है पूरब से पश्चिम की ओर जो बहती है हमारी नर्मदा नदी है, और साथ ही ये जो है सोन, चंबल तथा छिप्रा दक्षिण से जो है उत्तर की ओर बहती हैं। दक्षिण से कहाँ बहती हैं, उत्तर की ओर जो है बहती हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्ध नारीश्वरी की जो है मूर्ति यहाँ पे जो है प्राप्त हुई थी, तो ये है जो शिवना, शिवना से प्राप्त हुई थी, जो कि आपके मंदसौर जिले में जो है शिवना नदी पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है, तो ये जो क्वेश्चन है कुछ लॉजिकली क्वेश्चन है, अगर आप आए गए हैं तो आपको पता तो होगा ही, और साथ ही नहीं आए गए हैं तो मैं तो आपको बता ही देता हूँ, और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक जिससे मुझे जो है मोटिवेशन मिलता रहे, और आप सभी लोगों को जो है इस प्रकार की जीके मैं उपलब्ध कराता रहता हूँ। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कुछ अच्छे तरीके से पूछा है, तो आप अगर आए गए होंगे तो आपको यहाँ पे कुछ जो है पुल कौन सा मिलता है, तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा बेतवा, यानी कि डी आपका सही आंसर है। जब आप ट्रेन से या बस से कुछ भी से जाते हैं तो आपको जो है बेतवा नदी का पुल यहाँ पे मिलता है। निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है, सीधे गंगा नदी में जाकर जो है मिलती है, वो क्वेश्चन यानी कौन सी जो है आपकी नदी है, यहाँ पे सही आंसर है आपका ये, यानी कि सोन। सोन नदी जो है आपकी सीधी जाके कहाँ मिलती है, गंगा में जाके मिलती है, क्योंकि आपकी जो है 780 किलोमीटर जो कि इसकी जो है लंबाई है, और शायद पिछले क्वेश्चन में मैं इसको जो है बता भी चुका हूँ। निम्न में से मध्य प्रदेश को है नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती है, बहुत काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चंबल में नहीं मिलती है ऐसी नदी का जो है आपको नाम बताना है, तो सही आंसर है आपका कुंवारी नदी, यानी कि सी आपका आंसर है, जो कि सिंध नदी की जो है सहायक नदी है, और मैं जो है अभी कुछ पहले भी इसे जो है बता चुका हूँ आपको। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से जो है दक्षिण की ओर नहीं बहती है, नदी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है, यानी कि ये आपका उत्तर, ये आपका यहाँ पे दक्षिण, तो इस प्रकार ये जो नदी नहीं बहती है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है डी, यानी कि माही नदी। माही नदी जो है आपकी वर्धा, वैनगंगा और वरना जो आपकी नदी हैं, तो ये तीनों नदी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है, यानी कि ये तीनों नदी कहाँ से बहती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। यहाँ पे बोला है नहीं बहती है, तो ये नदी हमारी माही इज़ द राइट आंसर है, और साथ ही ये जो नदी है पूरब धारा से निकलकर पश्चिम गुजरात में जो है बहती है, पूरब से निकल के कहाँ बहती है हमारी, ये पश्चिम में है बहती है माही नदी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है, तो ये जो है आपका प्राणहिता कहलाता है, दो संगम स्थल यानी कि यहाँ पे नदियों का जो है संगम होता है, जब दो नदियाँ मिलती हैं उन्हें हम संगम कहते हैं, और मेन बात यह है इसे प्राणहिता कहा जाता है, तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे वैनगंगा और जो है वर्धा नदी को जो है संगम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राणहिता कहते हैं। यह स्थल जो है महाराष्ट्र राज्य में क्या है, अवस्थित है, इसे आपको ध्यान में रखना है, तो प्राणहिता जो है महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, निम्नलिखित नदियाँ तथा उनके बहने की दिशा के जोड़े में कौन गलत है,
तो ये जो नदियाँ हैं वो उनका जो है कौन जोड़ा जो गलत है वो आपको यहाँ पे बताना है। चंबल नदी जो है आपकी उत्तर की ओर यहाँ पे दिया हुआ है, साथ ही बात की है बैन गंगा है आपका जो है पूरब की ओर यहाँ पे दिया हुआ है, और नर्मदा यहाँ पे देख सकते हैं ताप्ती पश्चिम की ओर दिया हुआ है, और बेतवा जो है आपका यहाँ पे उत्तर की ओर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बैन गंगा जो है आपकी क्या है पूरब की ओर बहती है, जबकि बैन गंगा जो है आपकी दक्षिण की ओर बहती है। तो सही आंसर है आपका बी इज द राइट आंसर होगा आपका। यहाँ पे पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पचमढ़ी जो कि एक मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है, और यहाँ पे जो है काफ़ी पर्यटक भी आपके यहाँ पे इसे घूमने आते हैं, और साथ ही जो किस नदी पर स्थित है वो आपको यहाँ पे बताना है। बैनगंगा, ताप्ती, तवा, नर्मदा, अगर आपको पता है तो वीडियो में कमेंट जो है रेगुलरली करती रहेगी। तो सही आंसर है हमारे यहाँ पे तवा, तवा नदी पर जो है पचमढ़ी स्थित है, और साथ ही ये जो है किनारे पर स्थित है, और ये जो है तवा नर्मदा की जो है आपकी सहायक नदी भी है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, उत्तर की ओर बहने वाली नदी है तो वो यहाँ पे जो है बताना है। उत्तर की ओर बहने वाली नदी ताप्ती, नर्मदा, केन, और साथ ही आपका ये बैन गंगा। तो यहाँ पे आपने अगर जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को कर लेना प्रेस, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी, और साथ ही लाइक करना ना भूलिएगा। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे केन, केन इज़ द राइट आंसर है हमारा यहाँ पे। ताप्ती की बात की जाए, नर्मदा की बात की जाए, बैन गंगा की बात की जाए, तो नर्मदा का जो है हम बात कर चुके हैं कि नर्मदा जो है हमारी पूरब से यानी कि आपके अमरकंटक से निकलती है, और जो है बंगाल की खंबात की खाड़ी में जाके आपकी जो है गिरती है। तो सही आंसर जो है हमारा यहाँ पे केन है। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो देखिएगा यहाँ पे जो है नर्मदा नदी आपकी अमरकंटक से जो है निकलती है, और कहाँ स्थित है तो ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे जो है आपका जिला नहीं पूछा गया, साथ ही यहाँ पे जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में जो है ये आपकी स्थित है। सही आंसर आपका बी है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सोन नदी जो कि अभी कुछ पहले ही देर बात की थी जो है उद्गम स्थल कौन सा है, तो यहाँ पे जो है अमरकंटक इज़ द राइट आंसर है। और पिछले क्वेश्चन में यानी कि आपके जो है 3 किलोमीटर के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था इसी सीरीज में, तो जो है वहाँ पे आपका नर्मदा और सोन नदी जो है 3 किलोमीटर के अंदर में दोनों नदियाँ निकलती हैं। पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? पांडव जलप्रपात आपका चुलिया जलप्रपात आपका, और साथ ही यहाँ पे आपको बताना है पांडव जलप्रपात कहाँ पर है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका राइट आंसर यहाँ पे पन्ना के निकट है, यानी कि आपका बी आंसर सही है। और साथ ही यहाँ पे देखिएगा ये जो क्वेश्चंस मैंने जो है आपको कराए हैं, जितने भी क्वेश्चंस यानी कि 40 क्वेश्चन कराए हैं, इसमें से जो है आपका जितना भी क्वेश्चन सही हुआ है वो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा ये मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जब वीडियो चल रहा होगा इस प्रकार का आपके पास सब्सक्राइब आएगा तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है,
और एक छोटा सा बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको वीडियो की जो है क्या नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नदियों का टॉपिक्स स्टार्ट किया है तो इसी टॉपिक से मिलेंगे पार्ट टू में। जब तक के लिए आप सभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग्स एवं बाय बाय, टेक केयर।